हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी सोल्जर टेक्निकल बनने का प्रोसेस, कैसे आप बन सकते हो, इनके लिए जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, इन सारे के बारे में हम आज बात करेंगे। तो अगला जो वीडियो हमने बताया था, सोल्जर क्लार्क, जनरल ड्यूटी, नर्सिंग असिस्टेंट, इन सारे का जो एज लिमिट, चेस्ट और हाइट, इन सारे को सेम हो सकती है, लेकिन इसका एडुकेशन क्वालिफिकेशन सभी का अलग है। एडुकेशन क्वालिफिकेशन और एग्जाम प्रोसेस सभी का अलग है। तो पहले आती है एज लिमिट। एज लिमिट सारे का सेम है, सिर्फ जीडी का 17.5 से 21 साल तक होती है, और सोल्जर टेक्निकल बनने के लिए भी आपका एज 17.5 से 23 साल तक होना चाहिए। उसके बाद आती है एडुकेशन एलिजिबिलिटी, यानी कि एडुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अब हम बात करता हूँ। एडुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो आपका 12 पास करना बहुत जरूरी है, और 12 में आपका 50% मार्क्स होना बहुत जरूरी है, और हर एक सब्जेक्ट में आपका 40% मार्क्स होना बहुत जरूरी है, और आप साइंस स्ट्रीम से एचएस आपको कंप्लीट करना है, यानी कि 12 आपको साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और इंग्लिश तो कॉमन सब्जेक्ट होती है, इन सारे सब्जेक्ट में आपको 50% से भी ज़्यादा मार्क्स लेकर आना होगा। और आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री जैसे टेक्निकल, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इन सारे इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक, इन सारे कोर्स का आपका 3 साल का डिप्लोमा कोर्स चाहिए। किसी भी कोर्स का आपका 3 साल का डिप्लोमा कोर्स चाहिए, 3 साल का। उसके बाद हम जान लेते हैं हाइट, वेट और चेस्ट के बारे में। ये सारे कुछ एक स्टेट वाइज होती है। जो लोएस्ट है वो 157 सेमी आपका लोएस्ट हाइट होना चाहिए, और हाइस्ट हाइट जो है 170 सेमी आपका होना चाहिए, और आपका वेट जो है 48 से 50 केजी तक होना चाहिए, और आपका चेस्ट 77 सेमी होना चाहिए, और 5 सेमी आपको फुलाना पड़ती है। उसके बाद आप लोगों को पता है, उसके बाद आपका 1 माइल यानी कि 1600 मीटर का दौड़ होती है। 1600 मीटर में दौड़ में से आपको 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर आपको इस रनिंग का कंप्लीट करना है। उसके बाद जंपिंग होती है, यानी कि 9 फीट का जो गड्ढा है उसको कूदना है, और पुलअप मारना है। मैक्सिमम आपको 10 पुलअप्स मारना है, तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 6 पुलअप मारते हो तो आप पास हो जाओगे। उसके बाद बैलेंसिंग करना पड़ती है। इन सारे क्राइटेरिया पूरी करने के बाद उसके बाद आपका एग्जाम होती है, और एग्जाम में 100 अंक का क्वेश्चन पूछी जाती है, जिसमें से आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन जो रहती है वो 20% क्वेश्चन रहती है जनरल नॉलेज का, और फिजिक्स का जो रहती है 30% का क्वेश्चन रहती है, और केमिस्ट्री का 20% और मैथ का 30% प्रश्न पूछी जाती है, जिनमें से आपको 60 मार्क्स लेना बहुत जरूरी है। अगर आप 60 मार्क्स लेकर आते हो तो आप पास हो जाओगे। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलती है, आपका फिजिकल टेस्ट और रिटेन एग्जाम दोनों मिलकर मेरिट लिस्ट निकलती है, वहां से ही आपका सिलेक्शन होती है। इसी प्रोसेस में आप एक सोल्जर टेक्निकल बन सकते हो। अगर आप वीडियो पूरे देख लिया तो एक लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल में अपलोड करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।